तो गाइस एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल चौपाती पर। मेरा नाम है पामियर, वेलकम टू रोब्लॉक्स की दुनिया, जहां पर हम एक बार फिर से खेलने वाले हैं स्केरी लैरी की गेम। ऑलरेडी गाइस मैं 3-4 बारी गेम खेल चुका हूं और मेरे को स्केरी लैरी की हर एक एंडिंग ट्राई करनी है। बस एक ही एंडिंग मैंने ट्राई नहीं की और वो है अपनी ओरिजिन एंडिंग। और देख रहे हो लोगों ने कितने बड़े बड़े पोस्टर जो है यहाँ पर लगा कर रखे हुए हैं मैन। और यह एक राज के बाद आपको बताने वाला हूँ मैं। यहाँ पर स्केरी लैरी की जो ओरिजिन एंडिंग है ना, वहाँ पर पता लगने वाला है कि आखिरकार स्केरी लैरी का रियल ट्रू वर्जन क्या है। वो वाकई में शुरुआत में स्केरी था कि नहीं था, या वो बाद में स्केरी बना, या वो अभी स्केरी है कि नहीं है। सारे राज बेसिकली स्केरी लैरी के खुलने वाले हैं इस खतरनाक ओरिजिन एंडिंग के अंदर। और यह मैंने बोल कर रखा था कि लास्ट वाली वीडियो के अंदर अगर आप सब्सक्राइब का बटन दबाओगे तो मैं एज अ हैकर ये गेम खेलूंगा। और यह बहुत सारे बंदों ने जो है इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम लोग। मैं देख रहा हूँ गाइस के तो चैनल के ऊपर बहुत सारे बंदे एकदम से ब्रांड न्यू है। मेरे को पता आप जो अभी वीडियो देख रहे हो ना, आप ऐसे कुछ बंदे ब्रांड न्यू चैनल के ऊपर आ चुके हैं और उन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया। तो या वन सेकंड गाइस, अगर आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो दबा दो। और ये देखो लॉगी क्या कर रहा है यहाँ पर, मैं बस का वेट यहाँ पे कर रहा हूँ। ये देखो ये नौटंकी लेके तू कहाँ पर जाएगा भाई। देखो भाई अभी मैं आपको ट्रिक दिखाता हूँ। क्या सिर्फ बोतल के ऊपर एनालाइज करो, ठीक है ना। ये देखो ये भाई साहब, ये ही काम रह गया अभी स्केरी लैरी की दुनिया के अंदर। भाई तेरे को पता, देखो बेंच के ऊपर बैठ के एक्सरसाइजिंग कर रहा है ये। तूने किया कैसे पहले मेरे को ये बता। मुझे खुद नहीं पता भाई मैंने कैसे किया, लेकिन चलो भाई शुरू करते हैं। तू एज ए किड खेल रहा ना तो तेरे पास नए नए फीचर्स हैं तो, लेकिन कोई बात नहीं, जब मैं भी एज ए हैकर खेलूंगा ना नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर स्केरी लैरी की, तो मैं भी तेरे को बताऊंगा कि मेरे पास भी जो है नए नए बग्स आ चुके हैं। लेकिन चलो गाइस व्लॉगिंग मारते गोली, हमारे यहाँ पर बस भी आ चुकी है तो मैं फट से जाकर यहाँ पर सीट पकड़ लेता हूँ। और सारे बंदे मेरी बात ध्यान से सुन लो, बोतल नीचे रख ले, मैं तेरे को बता रहा हूँ। ठीक है कुछ ज्यादा ही हो रहा है यहाँ पर। बोलो मैं तेरे को बता रहा हूँ गाइस कि आज हम, ये बस वालों को मैं बता रहा हूँ ठीक है, आज हम एक बार फिर से खेलने वाले स्केरी लैरी। ये सारे तीनों मेरे भाई हैं क्या? ये देखो एक दो तीन, एक एंड में भी बैठा है। हेलो भैया कैसे हो? अरे नहीं, साथ में भी बैठा है। एक्चुअली नाइस है। तो ये मैं ये बोल रहा था कि बस वाले बंदे जो बात सुन लो, कोई नौटंकी नहीं चलेगी क्योंकि आज हम करने वाले हैं ओरिजिन एंडिंग। एंड लीजिए गाइस अपनी बस एक बारी फिर से निकल चुकी है अपने सफर के ऊपर। और फंडा तो आपको अभी तक समझ में आ चुका होगा क्योंकि हमारी बस अभी यहाँ पे क्रैश होने वाली है एंड वी गोना एंड अप इन द फैक्ट्री। ओके यार मेरी हेल्थ पूरी कर दिया करो, एटलीस्ट स्केरी लैरी की ओरिजिन एंडिंग मतलब पूरी करके दो ना मैन। लॉग रेडी हो जा भाई, मैं तो एकदम से रेडी हूं। मुझे पता लग चुका है कि मुझे क्या करना है। क्या कर रहा तू है कहां पर? अरे ये रहा भाई, स्लोली आपके पीछे आ रहा हूं। आई थिंक सबसे छोटे वाला भी मैं ही हूं यहां पे। अब अपने जूस की बोतल पीना। अरे भाई वो तो मैं जिम के अंदर पीऊंगा। वो ये है प्रोटीन शेक लेके जा रहा है यार, लेट्स गो। लॉग एक्चुअली गेम के फंडे जो है समझ चुका है। और लॉग मैं तेरे को बता रहा हूँ जैसे मैंने बताया ना वैसे तेरे को करना है क्योंकि ये ओरिजिन एंडिंग है। मेरे को पता नहीं इसमें एक्चुअली क्या होने वाला है लेकिन मैंने सुना है। ओके लास्ट वाली वीडियो में तेरे को याद होगा तू मेरे साथ था ना लास्ट वाली वीडियो में। हाँ मैं था। तो यार लास्ट वाली वीडियो में अगर तेरे को याद होगा कि हम यहाँ से बाहर से क्रोबार लेके आए थे और अब की बारी हमें जो है क्रोबार की जरूरत नहीं पड़ने वाली। और फिर इन लोगों ने तलवार, अच्छा तलवार नहीं है वो साइन लगा हुआ है ले। मेरे को लगा था कि स्केरी लैरी के अंदर नए नए फंडे आ चुके हैं, अभी हमें तलवार मिलेगी लेट्स गो, लेकिन नहीं वो तलवार नहीं है। ओके अभी गाइस ये रही गाइस हमारी स्केरी लैरी की खतर। मैं हमेशा ये लाइटनिंग देख के ना घबरा जाता हूँ यार। ओके अंदर घुसते ही लॉगे तेरे को फंडा पता है ना, अंदर घुसते ही सीधा बेंच प्रेस। लेट्स गो बत्तियां वगैरह जो है बाद में ऑन कर लेंगे। सबको पता है कि सबसे पहले अंदर जाके अपने आप को ताकतवर बनाना है और बाद के फंडे बाद में देखे जाएंगे ना। एंड लेट्स गो, वन एंड टू। भाई तू एक हाथ से कैसे चक्कर है ओए, लेट्स गो भाई। मेरे अंदर से तो आते ही बिजलियां निकल रही हैं। क्लिक कर जल्दी कर। अरे मैं कर रहा हूं। ओके लेट्स गो द गाइस, अपना जो है एक्सरसाइजिंग का फंडा यहां पर शुरू हो चुका है और आई बिलीव सारे ही एक्सरसाइज कर रही हैं। और ये बनता ये आंटी जी ट्रेडमिल पर कैसे घूम रही है मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। मेरे को लगा था कि ट्रेडमिल को चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी ऑन करनी पड़ेगी। आंटी जी के नए फंडे हैं भाई, ये मेरी वजह से हो रहा है भाई, मेरे अंदर से इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है। अच्छा, अबे तू टेस्ला नहीं है भाई, ये खुद को टेस्ला समझ रहा है। ओके अभी आई थिंक ओरिजिन एंडिंग करने के लिए ओके फिर से ये स्क्रीन आ चुकी है जो कि आई बिलीव मैं स्किप कर सकता हूँ, लेकिन अभी तक तो मेरे पास स्किप का ऑप्शन आया भी नहीं है मैन। टीवी वाले सीन के ऊपर होता है। ओ यार ये तो इंट्रो है तो बेसिकली गाइस ये इंट्रो अपना स्केरी लैरी का स्किप नहीं होगा। तो मैं बेसिकली ये बोल रहा था कि हमें स्केरी लैरी की ओरिजिन एंडिंग के लिए हमें चाहिए स्पीड। ओके लॉगी तेरे को मुझे पूरी हेल्प चाहिए तेरी यहाँ पर। okay, मेरे को okay. यहाँ पर कोई नौटंकी नहीं चलने वाली ठीक है। अगर मैंने एक भी सीक्वेंस खराब कर दिया तो हमारी जो सीक्रेट नो ओरिजिन एंडिंग है वो स्टार्ट नहीं होगी और मैं ये नहीं चाहता। एंड लेट्स गो, इंट्रो खत्म हो चुका है एंड क्लिक 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 क्लिक।
अरे मेरे को इन लोगों ने बेंच से निकाल दिया। कमॉन कमॉन कमॉन। ओके मेरे को ये एटलीस्ट दो तक लेके जाना। ओके मारते हैं गोली इसको, दो तक बाद में लेके जाएंगे। अभी ना मेरे को अपना ट्रेडमिन वाला जो है फंडा ठीक करना है। कमॉन लेट्स गो। ओके यहाँ पर नोटिफिकेशन भी आ चुका है, वी आर एक्सीडेंटली इन द सीक्रेट बेस। तो बेसिकली गाइस ये अभी जो नोटिफिकेशन आप तो समझ चुके होगे, अभी ये बेसिकली बता रहा है कि कुछ गुंडे जो हैं घुस चुके हैं स्केरी लैरी की फैक्ट्री के अंदर, और इनको मज़ा चकाने के लिए स्केरी लैरी और गुंडे भेज रहा है। नाइस नाइस नाइस। लेकिन चलो गाइस कोई बात नहीं, गुंडे को मारते हैं गोली। तो यहाँ पर गाइस मेरे को स्केरी लैरी की जो ओरिजिन अनलॉक करने के लिए, ओरिजिन एंडिंग अनलॉक करने के लिए मेरे को यहाँ पर चाहिए। अरे अंकल पीट को ऑलरेडी किसी ने छुड़वा दिया, लेट्स गो। नाइस है, लगता है इस लॉबी के अंदर सारे प्रो बंदे हैं। ओके ये मेरे को लग रहा है क्योंकि लिटरली हर एक बंदा काम पे लग चुका है। हर एक बंदा, ओ तो भैंस की क्या छलांग मार ले छलांग मारने की जरूरत ही क्या है तेरे को अंकल पीट, सीढ़ियां लगी हुई है ना। ओके तो मेरे को अपनी स्पीड एटलीस्ट 4 तक लेके जानी है, क्योंकि मेरे को पता क्या करना है गाइज, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है मेरे लिए। मेरे को यहाँ से ऊपर चढ़ना है और यहाँ से जंप मारनी है इस तरफ, ठीक है ना। और ये जंप आई बिलीव तभी होगी जब तक मेरी स्पीड 4 पॉइंट्स पर नहीं पहुंचती, 3 पर भी हो जाएगी। तो एक काम करता हूँ, मैं 3 पर सबसे पहले लेके चलता हूँ और उसके बाद मैं ये ट्राई करूंगा। होना तो चाहिए यार। और लोगे तो क्या कर रहा है? अरे भाई मैं भी स्पीड अपनी बढ़ा रहा हूँ, ये देखो अपने सामने तो हूँ। अरे तेरे को स्पीड नहीं बढ़ानी थी मेरी जान। इट्स ओके कोई बात नहीं गाइस, लोगे को जो करना है करने दो, क्योंकि पूरी स्क्रिप्ट मेरी दिमाग में भी बढ़ चुकी है कि ओरिजिन एंडिंग इसी कैसे खोलने हैं। ओके कुछ ही सेकंड के अंदर गाइस अपनी स्पीड पहुंच जाएगी 3 पर और उसके बाद हम चल पड़ेंगे सीधा ऊपर। कम ऑन देन, बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है, लेट्स गो लेट्स गो। ओके हो चुका है। ओके तो गाइस ओरिजिन एंडिंग अनलॉक करने के लिए गाइस सबसे पहले मेरे को यहाँ से ये चीज़ें वगैरह निकालनी पड़ेंगी। ऑब्वियसली मेरे को निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमेशा जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ ना मेरे को ये करना है। इससे कुछ भी नहीं होता गेम के अंदर, लेकिन फिर भी मेरे को ये करना है। और ये मेरे को यहाँ पर इवेंट की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आई डोंट नो ये क्या है, लेकिन मैं फिलहाल बकवास ही कर रहा हूँ। तो एक काम करता है फटाफट यहाँ से सीढ़ी लेके सीधा ऊपर, और यहाँ पे हमें मिलेगा एक सीक्रेट कमरा। हो भाई ओके सीक्रेट कमरे को अनलॉक करने के लिए ना मेरे को उस तरफ जाना है एंड जंप। अरे यार तभी मैंने बोल कर रखा था कि मेरे को ज़्यादा स्पीड चाहिए उस तरफ जाने के लिए। हट जा लोगे, हट जा हट जा, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो यार मेरे को एक्चुअली ज़्यादा स्पीड चाहिए उस तरफ जाने के लिए। मैं 3 में भी जा सकता हूँ, लेकिन 3-4 बार ट्राई करना पड़ेगा मेरे को। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, स्पीड इज़ रियली इंपॉर्टेंट। और मेरी अगर मैं बार बार ऐसे फेल होता रहूँगा ना तो मेरी हेल्थ भी जाती रहेगी, और हेल्थ इस गेम के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स गो। लॉगी सही कर ले यार। भाई मैं तो 4 पे पहुंचने वाला हूँ। सीरियसली? हाँ भाई। अबे तेरे को स्ट्रेंथ बढ़ानी है इसके बाद, ठीक है ना, क्योंकि अभी स्केरी लैरी के गुंडे भी आने वाले होंगे। स्ट्रेंथ भी 3 पर ही है, टेंशन ना लो। कम ऑन देन, पूरा ध्यान से खेलना गाइस, पूरा कॉन्सेंट्रेशन जो है मेरा फिलहाल इसके क्या बोलते हैं ट्रेडमिल के ऊपर ही है। और मेरे को कॉम्बो, अरे मैंने कॉम्बो मिस कर दिया ब्रो यार। वैसे कॉम्बो अपनी पूरी हेल्प करता है, और वो देखो स्क्रीन के ऊपर दिखा भी रहा है कि स्केरी लैरी के पागल गुंडे इस तरफ बढ़ चुके हैं। ओ मैन कम ऑन स्केरी लैरी भाई, हमें तेरे रास पूरा आज खोलना है। हमें एक्चुअली पता करना है कि तू कितना स्केरी है, हमें ये रास खोलना है आज। एंड एक बार फिर से गाइस मेरे पास यहाँ पर कॉम्बो आ चुका है। कम ऑन देन 3.5। ओ भाई ये कितना हार्ड हो रहा है मेरे लिए। नॉर्मली गाइस मैं फटाफट से कर लेता हूँ, क्या आगे क्या वो। अरे दरवाजा बंद हो चुका मैन, थोड़ा सा और आई कैन डू इट। आपको पता है जो आप जंप मारने की कोशिश कर रहे हो दूसरा बंदा कर सकता है क्या? कर सकता है, लेकिन मुझे करने दे क्योंकि मेरे को दिखाना है कि कैसे करते हैं वो। और गाइस एक काम करते हैं, मैंने सबसे पहले अंकल पीट के ऊपर क्लिक करके ना उसके मशीन भी जो है अनलॉक करके रख दी है, क्योंकि अभी हम भिड़ने वाले हैं यहाँ के गुंडों से। एंड जब तक ऑब्वियसली गाइस गुंडे आते हैं ना तब तक हम ये ड्रॉज खोल लेते हैं। अरे नहीं ड्रॉज मेरे को अभी नहीं खोलने ब्रो। क्यों मैं बेवकूफ़ी कर रहा हूँ, मेरे को बाद में फिर से ड्रॉज खोलने हैं। एक काम करते हैं खोल लेते हैं, क्या पता बाद में मेरे को और माल मिले। खाली लिटरली खाली पड़ा हुआ टमाटर दे रहे मेरे को ड्रॉज में से भाई। स्केरी लैरी का इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा गुंडा है स्केरी लैरी, लेकिन मेरे को दे क्या रहा है टमाटर। वो गुंडे आ चुके हैं, लेट्स गो। गुंडे को ही मारना है, और इसी बहाने गाइस गुंडे को मार के हम करेंगे अंकल पीट का मिशन, जो कि ऑब्वियसली गाइस अगर आप 3 गुंडे मारते हो तो आपको अंकल पीट पैसे देगा। और यार मैं तीन गुंडे मार भी नहीं पाया, लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, लेट्स गो बैक टू द जिम। और अभी मेरे को ना वहां से फिर से ट्रेडमिल के ऊपर जाना है। मैं खुकी खा लो लेट्स गो। प्लीज कोई अनलॉक ना कर ले स्केरी लैरी की ओरिजिन एंडिंग, वो मेरे को करनी है मैन। ओ माय गॉड, और जिस तरीके से मैं गेम खेल रहा हूँ ना आई डोंट थिंक आज होने वाला ये। कीप ट्रेनिंग फॉर वेव 2, द डोर डाउनस्टेयर्स हैव ओपन्ड। लेकिन चलो कोई बात नहीं, स्पाइडरमैन ऊपर मत जाइयो प्लीज। स्पाइडरमैन नहीं
स्पाइडरमैन नहीं जाएगा ऊपर, हम भी जाएंगे। पकड़ो उसको, हम जाएंगे ऊपर। अरे उसकी सिर्फ लेवल 2 है भाई। स्पाइडर, अच्छा ये भी गिर गया, लेट्स गो। उसकी कितनी स्पीड है भाई? उसकी सिर्फ 2 स्पीड है। कहां पर लिखा है? अरे भाई उसके सर के ऊपर लिखा था। ओके लेट्स गो। तो इसका मतलब ये है कि स्पाइडरमैन जो है नहीं जा पाएगा। और इसी के साथ गाइस अपना नया इवेंट भी खुल चुका है, जिम डिलीवरी, लेट्स गो। यस भाई, अपना लक इस गेम के अंदर कुछ ज्यादा ही मस्त चल रहा है। तेरे को पता जिम डिलीवरी क्या होता है? क्या होता है? तेरे को यहाँ पर बोतल देंगे और तू वो बोतल पी के अपना जो है जिम का कार्यक्रम, तेरे को एक्स्ट्रा बूस्ट मिलेगा। और ये देखो गाइस अपना डिलीवरी मैन भी यहाँ पर आ चुका है। नाइस नाइस ब्रो, पीलो पीलो पीलो, फट से चखते है बोतल एंड गट को अंदर। और यहाँ से मेरे को खतरनाक बूस्ट मिलने वाला है, लेट्स गो। पूरा करंट निकल रहा है। अबे स्पाइडरमैन तू क्या कर रहा है? इसने उसकी सीढ़ी लेके, भाई स्पाइडरमैन, अरे भाई आप 3 से जंप नहीं मार सकते क्या? अब उसने सीढ़ी लेके रखी है, तो बेसिकली ड्रिंक वाला बंदा जो है सीढ़ी लेके आया था, तो उसने स्पाइडरमैन ने इसकी सीढ़ी चोरी कर ली। कम ऑन, ऊपर भी नहीं चढ़ पा रहा। पहुंच गया क्या स्पाइडरमैन? ओह माय गॉड, स्पाइडरमैन सीढ़ी लेके भाग गया। ये कुछ सेंस बन रहा है इसका? स्पाइडरमैन अगर तूने वापस सीढ़ी रखी ना, तो मैं तेरा बैटमैन बना दूंगा तेरे को मार के। रुक जा रुक जा रुक जा, स्पाइडरमैन तो बचने वाला नहीं है, तू देख ही हो स्पाइडरमैन। अबे कितना नूपड़ा स्पाइडरमैन है ये भाई। अबे सीढ़ी दे मेरे को, पागल बंदा है। ओ माय गॉड गाइस, फिर बोलते हैं स्पाइडरमैन विल कम एंड सेव द डे। स्पाइडरमैन क्या डे सेव कर रहा है भाई? ये देखो ना, खुद जा रहा है ना, मेरे को जाने दे रहा है वो। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, अरे वो जा रहा है, आई थिंक वो नहीं जा पाएगा। अरे वो देखो जा तो रहा है। अगर स्पाइडरमैन गया ना तो मैंने कसम से मैं गेम फोड़ दूंगा। मैं स्पाइडरमैन मैन तेरी स्पाइडर, असले वो इतना बेकार बंदा है ना वो। ले अरे कॉम्बो में जाओ ना, कॉम्बो में मैं और मेरे को बोतल, पानी की बोतल लगाने दे। स्पाइडरमैन ने पूरा भेजा मेरा घुमा के रखा हुआ यहाँ पर। मैं गेम के अंदर क्या कर रहा हूँ मेरा कुछ नहीं पता भाई। स्पाइडरमैन मेरे साथ में आकर भाई मेरे को ट्रोल कर रहा है स्पाइडरमैन यहाँ पर। लोग इसको पकड़ ले, नूपड़ा स्पाइडरमैन। मेरे को यकीन नहीं आ रहा कि स्पाइडरमैन इतने अनोइंग हो सकते हैं। हैं फिल्म में तो कुछ और दिखाते हैं, स्पाइडरमैन विल कम एंड सेव द डे। हाँ मैं देख रहा हूँ, वो देखो पिद्दी जा रहा है, पिद्दी। एक और ये मेरा जो है लेवल 4 हो चुका है। इसका मतलब ये है कि मैं उस तरफ जंप मार सकता हूँ। पिद्दी पहुँच गया मैन। ओके तो बेसिकली गाइस आप यहाँ पर जाते हो ना, तो आपको ये दरवाज़ा खोलने का मौका मिलता है। और दरवाज़ा खोलोगे ना तो आपको यहाँ पर एक इंस्पेक्टर मिलेगा सोया हुआ, और हमें उसका एक छोटा सा पजल खोलना है। तो बेसिकली दिस इज गोइंग वे बैक टू गेम नंबर 1। तो आपको यहाँ पर अपनी स्केरी डायरी की जो मेमोरी है यहाँ पर जो है शार्प करनी होती है। तो मेरे को याद है कि गेम नंबर 1 के अंदर सबसे पहले कुछ हुआ था, उसके बाद हुआ था ब्रॉडकास्ट, और उसके बाद हमने विंडोज वगैरह यहाँ पर लगाए थे। आई थिंक पिज्जा डिलीवरी पहले आता है। हाँ तो पिज्जा डिलीवरी अभी तक तो आया भी नहीं है ना। उसके बाद नहीं नूपड़े यहाँ पर ब्रोकन विंडो आया था, गधा ये कौन है ये। उसके बाद यहाँ पर आया था स्केरी लैरी जो कि ऑब्वियसली फाइनल बॉस है। उसके बाद वहाँ तक पहुँचने के लिए हमने गटर से वहाँ तक गए थे। ये क्या कर रहा है भाई ये? अब ये यहाँ पर जाएगा। ओके ये जाएगा यहाँ पर। हमने गलत किया कुछ ना कुछ यार, हैंग ऑन अ सेकंड। ये आई थिंक जाएगा यहाँ पर। हमने एक चीज़ गलत लगा कर रखी है यहाँ पर, खोल दिया इसने, नाइस। ओके तो जैसे ही गाइस आप ये पजल सॉल्व करते हो ना, यहाँ पर एक सीक्रेट दरवाज़ा खुलेगा। तो हाँ यहाँ से हमको सारे ड्रॉज खोलने हैं, माल चक्को, यहाँ से मेरे को हेल्थ भी मिलेगी, ये भी चक्को, ये भी चक्को, ये भी चक्को। और अभी जाकर ना मेरे को पूरी रिसर्च करनी है, और यहाँ से मेरे को चोट ना लगे तो मैं यहाँ से सीढ़ी भी ले सकता हूँ। लीजिए पूरी सीढ़ी मेरे पास आ चुकी है, और ये सीढ़ी मेरे को लगानी है यहाँ पर। लेट्स गो, ईजी, क्या बात है। ये स्पाइडरमैन नूपड़ा अभी तक सीढ़ियाँ लेकर घूम रहा है, किसी काम का नहीं है। ओके अभी हमने गाइस पूरी बिल्डिंग की जो है रिसर्च करनी है, और अभी हमें जो है कुछ पोस्टर्स मिलने वाले हैं। कहाँ पर है? मेरे को पोस्टर्स खोलने के लिए ना सारे ड्रॉज खोजने पड़ेंगे। अरे रोकड़ा पड़ा हुआ, लेट्स गो, लग तू भी खोलना। अरे ये रहा एक पोस्टर मेरे को मिल गया, लेट्स गो। तो गाइस अभी मेरे पास आ चुका है एक पोस्टर, अभी मेरे पास आ चुका है दूसरा पेज, दो पेजेस मेरे पास आ चुके हैं, लेट्स गो, वी आर डूइंग सो गुड। दरवाज़ा बंद होने से पहले गाइस मेरे को ये वाला जो है ड्रॉज भी चेक करने पड़ेंगे। तीसरा ही मिल गया, नाइस नाइस नाइस, यू आर डूइंग सो गुड। इसको निकलो निकलो निकलो। ओ बच गया मैन, भाई बाल बाल बचे यार मेरी हेल्थ। भाई मेरे को बिल्कुल हेल्थ बढ़ाने का टाइम भी नहीं मिल रहा। लेकिन एक काम करते हैं अभी गाइस ना, थोड़े बहुत ये अंगल पीट के गुंडे मारते हैं, क्योंकि उससे मेरे को पैसे मिलेंगे, और जब पैसे मिलेंगे तो मैं अपने लिए चीज़ें वगैरह बाय कर सकता हूँ। लेट्स गो। ओके वो बंदा ऊपर पहुँच गया क्या? नहीं ऊपर कोई नहीं है फिलहाल। कम ऑन अंकल पीट, मेरे को तेरी हेल्प चाहिए भाई।
मेरे को यहाँ पे माल कमाना है मैन। लोगी तेरे पास कितना माल है? अरे भाई मेरे पास तो सिर्फ 20 रुपए यहाँ पर पड़े हैं। और तेरे पास स्ट्रेंथ वगैरह कितनी है? अरे भाई दोनों 4 पे हैं। भाई तू कितनी मेहनत कर रहा है यहाँ पर। लेट्स गो। फटा पोस्टर निकला अंकल बीट। भाई तुम्हारी टीम कुछ ज्यादा ही ताकतवर है भाई साहब। देख रहे हो क्या तोड़ रहे हैं हम लोग इन गुंडों को मैन। तो गाइस जिस लेवल का हम ये गुंडों को तोड़ रहे हैं ना, आप उसी लेवल का नीचे जाके सब्सक्राइब वाला बटन तोड़ दो। कसम से बता रहा हूँ एकदम से मजे आ जाएंगे यहाँ पर। कम ऑन अंकल पीट। अरे मैंने अंकल पीट के एक मिशन में नहीं किया। बहुत बुरा खेल रहा हूँ आज मैं, बहुत ज़्यादा बुरा। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, अभी तक आई थिंक मेरे पास कितने पोस्टर्स आ चुके हैं। भाई जरा बताना पैसे क्या करना है, बचा के रखने हैं या अभी यूज़ करने हैं? हाँ पैसे सेव कर, पैसे सेव कर। मेरे पास 3 पोस्टर्स हैं। आई थिंक मेरे को 3 और ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन मैंने सारे ड्रॉस चेकआउट कर लिए। क्या मेरे को ये वाले ड्रॉस फिर से खोलने हैं क्या? हैंग ऑन अ सेकंड, मैं फटाफट से खोल लेता हूँ। ओके लेट्स गो। अगर यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो अगर मैं ये वाले ड्रॉस यहाँ पर खोल के देखूँ तो कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, अदरवाइज द गेम इज बग्ड। यस लेट्स गो। एक पोस्टर मेरे को और मिला। ऑल पेजेस फाउंड, लेट्स गो। अभी हमने सारे पेजेस यहाँ पर जो है ढूंढ के रख लिए हैं। नाइस नाइस नाइस। अभी चलते हैं ऊपर और अभी हमें एक और छोटा सा पजल जो है सॉल्व करना पड़ेगा। लेट्स गो। समझ में आ रहा है मेरे को फंडा यहाँ पर। कम ऑन, अभी यहाँ से सीढ़ियाँ लेके सीधा ऊपर चलते हैं। अरे वो पिद्दी ना पहुँच जाए कहीं, वो पूरी गेम ख़राब कर देगा। तो बेसिकली अभी हमें गेम को बताना है कि यहाँ पर स्केरी वाला बंदा कौन है। तो आई थिंक बैरी इज नॉट स्केरी, लैरी इज स्केरी, ल्यूक भी स्केरी नहीं है, मैरी स्केरी नहीं है। हाँ आई थिंक बैरी भी जो है स्केरी हो सकता है। और बाद में जाएगा, आखिर में जाएगा अपना हेड मास्टर। कुछ हुआ क्या? आई थिंक अरे मैंने सॉल्व तो कर लिया, अब इसके ऊपर क्लिक करना है आई थिंक। ओके लेट्स गो। आई थिंक वी डिड इट। हो चुका है क्या? इस वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है क्या? अरे आई थिंक कुछ ना कुछ। अरे यार वो स्केरी लैरी के जो, आई थिंक पता है यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ये लोग जो है स्केरी लैरी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और एक्सपेरिमेंट इतने ऊंचे लेवल के है ना कि मे बी उसकी वजह से हमारा पावर कट हो रहा है। आई थिंक ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ठीक होगा। ओके आई थिंक यहाँ पर तो मैंने ठीक कर लिया ना सब कुछ यार। ये आई थिंक ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। द पावर हैज़ गॉन आउट। आ मेरे को पता है, मेरे को एक्चुअली दिख रहा है पावर हैज़ गॉन आउट। तो आई थिंक हमने स्केरी लैरी की जो ओरिजिन एंडिंग है उसको खोलने का सारा फंडा हम यहाँ पर कर चुके हैं। ओके अभी हम नीचे जाके ना अपने आप को थोड़ा बहुत पावरफुल बना सकते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारा टाइम है। तो एक काम करता है फटाफट से, भैंस कि तुम लोग सारे लंबे पड़ गए यहाँ पर। ये देखो भाई मैं तो बीच में बैठा हूँ भाई, सबको देख ले, सारे 4-4 बार पहुंच चुके हैं। ऐसा कौन सा बंदा मारने वाले हो तुम लोग? भाई व्हाट द हेल, ये स्केरी हो रहा है अब ये यहाँ पर। भाई स्केरी लैरी ने अगर इन लोगों की पावर देख ली ना, वो तो लिटरली गेम में नहीं आने वाला, वो ब्रेकिंग 3 में आने वाला ही नहीं है। वो बोलेगा भाई हमारे बंदे कितने ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। और ये अभी गाइस कुछ ही सेकंड, माउस तोड़ ले तू, माउस तोड़ दे भाई। मुझे स्ट्रेंथ यहां पर चाहिए, स्ट्रेंथ। कम ऑन देन, स्ट्रेंथ तो मेरा डंबल कितना बड़ा हो चुका है। दे ओ माय गॉड, अबे तेरे को कितनी स्ट्रेंथ से चाहिए? पता मेरे पास भी बूसा चुका। लेट्स गो। क्लिक 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 क्लिक। कौन? ओके काम करते हैं गाइस। आई थिंक मैं एक काम करता हूँ, 4 तक जा ही जाता हूँ। नहीं 4 तक तो नहीं, 3 तक तो जा ही जाऊँगा। इसके बाद मेरे को ना बाहर निकल के अपने दोस्तों के लिए, अपने जो टीम के जो मेंबर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास स्पीड गाइस बहुत ज़्यादा आ चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि जो बाहर के जो छोटे मोटे पजल्स हैं ना, वो मैं ईजिली सॉल्व कर लूँगा। और अभी मेरे को लगता है कि अपने टीम के बंदों को खाना पीना भी चाहिए होगा। अपने सामने से बोतल उठाई क्या? कहाँ पे बोतल? वो देखो सामने अभी तक एक बोतल पड़ी हुई है। ये ब्रो ये सुनने में बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। आपने सामने से बोतल उठाई क्या? ओके यहाँ मैंने बोतल उठा के पी भी नहीं। एनर्जी ड्रिंक सुनने में बहुत ज़्यादा अजीब लगा मेरे को। हाँ मैंने बोतल लेके रखी हुई है, मैंने बोतल गटक मिली भाई। लेट्स गो। और इसी के साथ ही गाइस हम लोग आ चुके हैं लेवल 3 स्ट्रेंथ पर। और अगर मैं बाहर देखूँ तो अपने बंदे पावर रिस्टोर करने में भी लग चुके हैं। एक काम करते गाइस, यहाँ पर ना गेम के अंदर आपको बहुत सारे पिज्जा वगैरह ड्रिंक्स वगैरह पड़े होते हैं, और ये सारे बंदे ले चुके हैं। नाइस। इसका मतलब ये है कि एक्स्ट्रा खाना पीना अपने किचन के अंदर ऑलरेडी मौजूद होगा। तो मैं फटाफट से जाके गाइस वो भी चख लेता हूँ, क्योंकि मेरे को अंकल पीट के मिशंस करने का मौका भी नहीं मिल रहा। और ये देखो कुछ खाना है नहीं, होता है। नाइस है भाई, अपनी टीम के बंदे जब अपने आप को मरवाने पर तुल चुके हो ना, तो समझ लेना कि गेम इम्पॉसिबल है इसको खेलना। एंड आई थिंक गाइस अभी आने वाली है स्केरी लैरी की फाइनल वे। कम ऑन मैं तो एकदम से रेडी हूं। कम ऑन मामा, अपन भी रेडी है। लेट्स गो। यहां पर करनी है। कम ऑन अबे तू तो एक ही बार में सबको मार देगा, जल्दी कर। ओके आ गया भाई। ये देखो अपने पास नया वेपन भी यहां पर आ चुका है, वो भी गोल्डन वाला।
ब्रो आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट स्केरियस्ट वेपन है, नॉट स्केरियस्ट, मैं स्केरी डायरी खेल कर सबको स्केरी बोल रहा हूँ, तो ये बोलने का ये मतलब है कि ये आई थिंक गेम का सबसे मोस्ट डेंजरस वेपन है। और आई थिंक मैंने अंकल पीट की रिक्वेस्ट भी अभी तक, अच्छा लेट्स गो, मैं बोल रहा हूँ कि यार मैं गुंडे मार रहा हूँ लेकिन मेरे को सम हाउ अंकल पीट पैसे नहीं दे रहा। लेट्स गो, अभी गाइस अपने पास पैसे भी आ चुके हैं और लॉगी रेडी हो जा, अभी तेरी हेल्प चाहिए हमको। मैं तो एकदम से रेडी हूं। ये गुंडे का कोई चांस ही नहीं है बचने का भाई, एक ही बढ़ने वाली है इनको तो एक ही, या मुझसे खा लो या लॉगी से खा लो, मरने वाले हैं सारे यहाँ पर फट से। आवाज आ लागे यार। अरे अभी तक तो ये वाला भी बाकी है। कौन चाचू? अभी तक वो सांड आने वाला है मोटे वाला, उसको तुझे मारना है। ओके अभी आएगा अंकल पीट, सबसे पहले अंकल पीट इसके ऊपर हमला करेगा एंड अंकल पीट को पड़ने वाली है खच के, सीधा अंकल पीट जाके गिरेगा अपने वॉल्ट के ऊपर। और अभी लागी जा, शुरू हो जा, तोड़ दे इसको। कम ऑन, थोड़ा बहुत ध्यान से खेलो ठीक है। तेरी आ गया, जैसे उसने स्विंग किया ना तेरे को पीछे होना। मेरे पीछे क्यों पड़ा भाई? पीछे 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 पीछे। ओके अभी गेट इन गेट इन गेट इन, क्विक 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 क्विक, हेरे स्विंग कर रहा, पीछे हो जाओ, लेट्स गो भाई। अपने टीम के बंदे को पूरा फंडा समझ में आ चुका भाई, पूरा सिलेबस पढ़ के आए अभी तो। लेट्स गो, स्विंग कर रहा, पीछे हो जाओ। ओके नाइस 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 नाइस, कम ऑन, थोड़ा सा ये बचा हुआ ये, कम ऑन देन लेट्स गो। लॉगी आखिरी वाला हिट, ओह ओह खतरनाक वाले गुंडों को भी जो है मजा चका दिया। इसको भी पता लग चुका है स्केरी डायरी को कि भाई ये गलत बंदों से पंगा ले रहा है। और अगर मैं जाने से पहले एक बार फिर से ड्रॉ खोल के देखूं तो कुछ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं है। तेरे पास पैसे कितने हैं? भाई मेरे पास पूरे $190 पड़े हैं। ओके मेरे को अपने पैसे सेव करने, क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरे को पैसे चाहिए अंदर, क्योंकि अंदर मेरे को गाइस चाबी मिलेगी और उस चाबी से आई डोंट थिंक, नहीं हम गलत एंडिंग, आई डोंट थिंक यहाँ पर होगा, स्पेंड कर लेते हैं बाद में देखी जाएगी। लेट्स गो, मैंने पूरे पैसे स्पेंड कर लिए। क्या ले लिया आपने? मेरे को लगता है कि इस एंडिंग ले 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 ले, बच जाके बाय कर ले। मेरे को लगता है कि इस वाली एंडिंग में चाबी वगैरह का सीन नहीं है, हम किसी और रास्ते से जाएंगे इस वाली एंडिंग में। तो या गाइस इसी के साथ ही मैंने जो है पूरे पैसे यहाँ पर ख़त्म कर लिए हैं और लॉगी भी पूरे पैसे ख़त्म कर रहे हैं एंड लेट्स गो। आ चुकी है अपनी स्केरी मैरी और यहाँ पर बोलेगी दैट्स इनफ। ओके यू गाइस हैव अननोइड मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। अभी यहाँ पर एज अ स्टोरी हमें यहाँ पर मिलना चाहिए इंस्पेक्टर साहब जो कि ऊपर सो रहे थे खराटे लेके। इतना बड़ा यहाँ पर मिशन चल रहा है और इंस्पेक्टर साहब ऊपर खराटे लेके सो रहे हैं, तभी तो मैं कहूँ कि जो है ये टाइम से चीजें क्यों नहीं हो रही। ओके बट एनीवेज, बट नाउ हमें यहाँ पर आई थिंक अभी वोटिंग आएगा, तो प्लीज सारे बंदे यार यहाँ पर ओरिजिन सेलेक्ट करना, क्योंकि अगर किसी ने ओरिजिन सेलेक्ट नहीं की ना। ओके ओरिजिन लगी लगी, वोट वोट वोट। अबे कौन सा नूबड़ा नॉर्मल पर वोटिंग कर रहा है ये? तू है क्या? अरे भाई मैं नहीं था, मैंने ओरिजिन पे किया है। नाइस, इतनी मेहनत हमने यहाँ पे करके रखी है और वो पागल बंदा जो है उसको नॉर्मल एंडिंग खेलनी है। आई थिंक ओरिजिन एंडिंग में हम यहाँ पर वॉल्ट के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर वर्ल्ड के अंदर जाएंगे तो सेम स्टोरी फिर से वो चलानी शुरू कर देंगे। तो ओ या क्या कर रहा है? मे बी यहां पर सीक्रेट रास्ता बना होगा फिर, आई डोंट नो। हमें इतना मेरे को पता लग चुका कि वर्ल्ड के अंदर भी जाना हमको अलाउड नहीं होना चाहिए। यहां पर तो दूसरा दरवाजा है ही नहीं क्योंकि सारे बंद हो चुके हैं। लेकिन तेरे को पता ऊपर सरजी इंस्पेक्टर साहब सोए हुए हैं, तो उनको एज अ स्टोरी अभी नीचे आके वो हमें बताएंगे रियल स्टोरी स्केरी डायरी की क्या थी। और आ गया, स्टॉप, हमने कुछ किया भी नहीं। ओके Before you enter the vault, I have to show you something. Okay, तो ये हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर दिखाने वाला है। Let's go. Okay, ये बहुत टाइम से ये बंदा जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और अभी ये अपनी फाइंडिंग्स हमारे साथ शेयर करेगा। इन्वेस्टिगेशन क्या कर रहा है, तो सोया हुआ था यार। ये तो पिछली वाले में ईवल था ना? नहीं, पिछली वाले में हमने जो है गलत एंडिंग सेलेक्ट कर ली थी, तो ईवल एंडिंग सेलेक्ट कर ली थी, तो ईवल एंडिंग में हम विलन हो जाते हैं। ये हम कहाँ पे आ गए? ओह, अभी हम आ चुके एकदम से टाइमलाइन में। ये बंदा मर गया पीछे। ये मर कैसे गया भाई? बट एनीवेज गाइस, यहाँ पर हमें दिखाने वाला है कि स्केरी लैरी स्केरी कैसे बना। ओह माय गॉड, पहले आया मेमोरी वन। ओके यहाँ पर क्या था? वी आर बैक एट द स्कूल। इसके पास टाइम मशीन है, मेरे को पता भी नहीं था। ओके तो ये वही स्कूल है जहाँ पर स्केरी लैरी मैरी यहाँ पर पढ़ते थे। ओके समथिंग इज रॉन्ग, स्केरी लैरी इज वॉन्डरिंग। गाइस अरे पहले कितना शरीफ बंदा यार, एकदम पड़ाकू बंदा लग रहा है मेरे को तो। ओके तो गाइस इसने मेरे को जो है पहला मिशन देकर रखा हुआ है, तो हमें यहाँ पर जो है आसपास बॉक्सेस पड़े हुए हैं और बॉक्सेस के अंदर हमें चीज़ें मिलेंगी और वही चीज़ें हमने अपनी करेक्ट क्लासरूम के अंदर रखना है। तो बेसिकली पहले से ही बुली था।
हाँ वो पहले से लोग उसको बुली कर रहे थे, बहुत ज्यादा शरीफ बंदा था। बट एनीवेज हमें यहाँ पर गाइस अभी ये बॉक्सेस खोलने हैं, तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो अपनी बॉक्सिंग खोलने की जो है जो अनबॉक्सिंग वीडियो है वो चल पड़ी है यहाँ पर, लेट्स गो। और यहाँ से हमें मिलेगी आइटम, कुछ भी नहीं है। अरे मुझे पेंट ब्रश मिला। नाइस, मेरे को कुछ भी नहीं मिला। अभी तेरे को पेंट ब्रश रखना है आर्ट वाले रूम के अंदर, और बाहर ध्यान से जाइए क्योंकि बाहर चाचू घूम रहे हैं। मेरी आइटम का, अच्छा ये रही। ओके, मैं बिल्कुल स्केरी लैरी के पीछे आ चुका हूँ मैन। और गाइस मैंने इतने सारे डब्बे खोल कर रखे हैं और मेरे को कुछ भी नहीं मिला यार। ओके, तो ये है गाइस अपना मैथ्स रूम, और यहाँ पर एक और डब्बा वाला रूम बना हुआ था। काम करते गाइस, आई थिंक हमको सबसे पहले सारे डब्बे खोलने पड़ेंगे। कम ऑन देन, फटाफट से ये वाला डब्बा भी खोल लो, और एट द सेम टाइम मेरे को बाहर दरवाजे के ऊपर भी ध्यान रखना है क्योंकि अगर स्केरी ले आ गया, क्रैप आ गया, अगर वो अंदर घुसा ना, पहले मैं दरवाजा पकड़ के अंदर घुस जाता हूँ क्योंकि मेरे को लगता है वो अंदर घुसेगा। और जैसे अंदर घुसेगा ना, यहाँ पर छुपने के लिए इतने दरवाजे बने भी नहीं है, और वो लिटरली दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। स्केरी लैरी ब्रो तू गया। ओह माय गॉड, उसको स्केरी लैरी ने पकड़ लिया मैन। चुप करके गेम खेल लिया मेरे को यहाँ पर शांति से, लगो तो सही कर रहा है ना भाई। मैं तो फिर से डब्बा खोल रहा हूँ, मैंने एक आइटम यहाँ पर डिलीवर कर दी ब्रो। मैं फिलहाल अलमारी के अंदर बंद। अरे यार पकड़ लिया उसने मेरे को मैन। और गाइस जैसे ही आपको स्केरी लैरी पकड़ता है ना, तो आपके ऊपर वो किताब मारेगा और उसकी वजह से आपकी थोड़ी सी हेल्थ जो है डाउन हो जाएगी, बस थोड़ी सी, बट इज ओके। मेरे पास खाने पीने के लिए तो बहुत सारा सामान है। लीजिए गाइस ले भाई, मेरे को पहला मिशन करने दो ना यार। ओके, मेरे को ये चीज़ उठानी है। रुक जा, डब्बा खोलना बंद कर दो तू पहले, चल खोल ले। ओके, तो मेरे को यहाँ से मिल रहा है ये सामान जो कि आई बिलीव ये मेरे को कोई ना कोई कैलकुलेटर लग रहा है, और आई थिंक कैलकुलेटर जाएगा मैथ्स की क्लास में। ओके, कहाँ पर है ये मैथ्स की क्लास? लेट्स गो। तो ये रही गाइस अपनी मैथ्स की क्लास, से काम करते हैं फटाफट से दरवाजा खोल के, मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। नाइस, तो हमने पहला काम ठीक कर लिया। मुझे तो पता भी नहीं मेरे हाथ में कौन सी चीज है। ये कैलकुलेटर है नूबड़े। अच्छा, ये पता भी नहीं है इसको। अबे मैथ्स की क्लास में जाना था, वो मैथ्स की क्लास पीछे रह गई। ये रही। हाँ, अंदर जाके किसी टेबल के ऊपर रख दे और रखते ही अलमारी के अंदर। ओ तेरी, तेरे रूम के अंदर जा रहा लॉगी, क्विक छुप जा अलमारी के अंदर। अलमारी के अंदर बैठा हूं। ओ माय गॉड, लॉगी बचने वाला है, मैं नॉट बचने वाला, लॉगी मरने वाला। अरे मैं अलमारी के अंदर हूं। छुप के बैठी है भाई, बिल्कुल मेरी अलमारी के पार खड़ा है वो। ज्यादा मचमच नहीं करने की, ठीक है? कम ऑन, आई थिंक जा रहा है। तो अभी तक गाइस हमने चार मिशन जो है यहाँ पर कर लिए हैं, आई मीन चार आइटम्स अपनी जगह पर पहुंचा दिए हैं। भाई जरा उसको गुमराह करना। मैं क्या गुमराह करूँ, पहले से ही गुमराह है ओए। ओके यार, डब्बे सारे खाली क्यों हैं? आई थिंक पता है क्या हो रहा है, अपने नूबड़े जो गेम के लोग हैं ना, ये आइटम्स लेके यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। ये भूल चुके हैं कि इनको अपनी आइटम्स अपने डब्बों में रखनी है। ओके, तो यार मेरा शक सही निकला, तो किसी ने दो आइटम्स और रखी और मेरे पास आ चुके हैं अभी आई थिंक ये माइक्रोस्कोप है। अरे यहाँ पर ये देखो पूरा कमरा बना हुआ है डब्बों का। अरे तेरे को डब्बे खोलने हैं भाई? तो भाई यहाँ पर मल्टीपल कमरे बने हुए हैं। ओके, हैंग ऑन अ सेकंड, अभी मेरे पास आ चुका है माइक्रोस्कोप, और आई बिलीव ये जाएगा अपनी साइंस के रूम के अंदर। लेट्स गो, क्या बात है, वी आर डूइंग सो गुड। तो अभी तक गाइस हमने 8 पार्सल्स डिलीवर कर लिए हैं। तो कहाँ पर है? अरे भाई मैं यहाँ पर डब्बे खोल रहा हूँ। कितने डब्बे तेरे पास बचे हुए हैं? भाई मैं तो सारे डब्बे यहाँ पर खोल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि सारी आइटम एक साथ ले चलूँ। अबे तो एक ही बार में एक ही आइटम लेके जाएगा। एंड लेट्स गो, मेरे को एक और आइटम मिल चुकी है। कमरे के अंदर आ चुका है भाई। ब्रो ये तेरे पीछे बड़ा हुआ है, मेरे को लगता है ये कोई पुराना बदला ले रहा है तेरे से। अरे मैंने कुछ भी नहीं किया भाई। ओके, तो ये खाली कमरे के अंदर हूं। अच्छा, ओके, अभी मेरे पास आ चुकी है एक कंपास, और आई बिलीव वंस अगेन वो जाएगा साइंस के रूम में। मेरे को सारे साइंस के मिशंस ही दे रहे हैं ये लोग तो। एंड फट से एक और आइटम। अच्छा भाई, कंपास मैथ्स क्लास में जाता है? अबे साइंस में भी जाता है यार, फिजिक्स होती है ना। मैं इसके साथ कौन फिजिक्स करता है? अबे मेरे को नहीं पता ब्रो, मैंने मैथ्स तभी छोड़ दी थी जब मैथ्स के अंदर एबीसी घुस गया था। मेरे को 1-2-3 समझ में नहीं आ रहा था, उन्होंने एबीसी घुसा दी। ओके, काम करते हैं। फाइनल आइटम की आपके हाथ में है। ओ मतलब कि गेम की पहेली अभी मेरे को ही सॉल्व करनी है। लेट्स गो। ओके, 8 में तो नहीं होगा, मैथ्स में होगा। ओके लेट्स गो। तो ये रहा, बोला था मैथ्स में जाएगा। ये क्या फाड़ दिया आपने। तो इसी के साथ ही गाइस हमने स्केरी लैरी की पहली मेमोरी कंप्लीट कर दी, और यहाँ पर हमको पता लगा कि वो स्केरी लैरी स्कूल के अंदर पढ़ता था, और जिस हिसाब से उसने, और ये देखो देखो, और ये तो स्केरी मैरी है, साथ में बैरी भी था। ठीक है, डीप ब्रेथ। ओके, तो यार मैं ये बोल रहा था कि स्केरी लैरी इस स्कूल के अंदर एक बहुत ही ज्यादा शरीफ बच्चा था। सो द हेडमास्टर हैज गिवन मी सम न्यू असाइनमेंट And Larry, what do you want? तो हेडमास्टर ने स्केरी मैरी को एक असाइनमेंट देकर रखा हुआ है, और वो भी सीक्रेट असाइनमेंट होगा ये। मैरी, आई हैव टू गिव यू दिस।
ये क्या दे रहा है? आई थिंक मैथ्स या फिजिक्स से कोई ना कोई नोट्स होंगे. गिव इट हियर. कांट यू सी आई एम इन द मिडल ऑफ कन्वर्सेशन. ऑब्वियसली स्केरी मैरी जो है बात कर रही है बैरी से. ये कौन है? ये बैरी है. बैरी, लैरी, हाउ आर यू बड? थैंक यू बैरी. ओके, तो ये स्केरी मैरी और आई थिंक बैरी का प्रोजेक्ट मे बी सेम हो सकता है. मे बी. लैरी गेट, ओ तेरी क्या गालियां पड़ रही हैं बैरी लैरी को यार. गेट लॉस्ट बॉल दिया मैरी ने. मैन दिस इज नॉट गुड. वैसे ये नोट्स के ऊपर लिखा क्या हुआ है? मेरे को ये चेकआउट करना है. व्हाट इज द नोट से? अभी बैरी भी सेम क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि नोट्स के ऊपर आखिरकार लिखा क्या हुआ है. पहली यही है. ओ माय गॉश, यू वोंट बिलीव इट, इट्स अ लव नोट. हा 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 भाई, बहुत ज्यादा ई वाला यार ये तो. व्हाट द हेल द पूर किड. वैसे अगर देखा जाए ना तो बैरी एकदम ऑलराइट लग रहा है. इसने अभी तक कोई भी ईवल काम फिलहाल जो है नहीं किया. बट मैरी इज ईवो भाई. बुली कर रही अपने स्केरी डैडी को भाई. ओके, तो गाइस पहला मिशन हमको जो है पहला मेमोरी का नोट समझ में आ चुका है कि स्केरी जो लैरी है, जो लैरी बनता है, मैं इसको बार बार स्केरी लैरी पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ. तो यार मैं ये बोल रहा हूँ कि अपना जो स्केरी लैरी है वो शुरुआत से ही कोई ना कोई उसको बुली कर रहा था और वो कोई और नहीं, वो मैरी थी वो. और अभी आ चुका है असाइनमेंट नंबर 2. लेट्स गो. अरे मेमोरी 2 लिखा है अभी तो. असाइनमेंट पर लिखा हुआ ना साथ में. लेट्स गो. ओके, अभी हमें यहाँ पे पता लगेगा. वी आर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अ स्कूल. Something is wrong. तो अभी कौन से स्कूल के अंदर आ चुके हैं? अरे सेम स्कूल. हाँ सेम स्कूल है. अच्छा ये पीए वाले लेसन के अंदर आ चुके हैं. नाइस. मैरी इज नियर बाय, डोंट लेट हर सी यू. अभी हम एक और मिशन कर रहे हैं क्या? अरे आई थिंक यहाँ पर भी हमें एक और मिशन करना है. मैं वो देखो भाई साइड में भी आ चुका है 0 out of 6. तो मिशन कुछ यहाँ पर करना है. ओके, अभी हमें ये मैरी के रोजेस तोड़ने हैं. भाई रोजेस तो उसके फेवरेट है यार, वो मैं छोड़ेगी नहीं. नहीं हमें तोड़ना पड़ेगा यहाँ पर. इफ मैरी अपीयर्स फाइंड अ प्लेस टू हाइड. ओके, यहाँ पर तो छुपने की जगह भी इतनी नहीं. अबे वो तो किताबें वगैरह पढ़ी हुई ना, तो काम करते हैं सबसे पहले इसी के ऊपर हमला कर लेते हैं. पट से लेट्स गो. कम ऑन, मेरे को अपनी नजर का इस सामने उस डोर के ऊपर भी रखनी है. अगर वहां से मैरी आई ना तो हमें फट से छुपना भी है. ओए आ गई इसको. आ गई. स्क्विड गेम खेल रहे हैं क्या? रेड लाइट ग्रीन लाइट चल रहा है यहाँ पर तो. ओके, अभी मैरी सबको ढूंढ रही है. अरे उसको पकड़ लिया बेचारी को. मैन ओ माय गॉड. ओके जा रही है, जा रही है. लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो. कौन से वाला तोड़ रहा है? मैं ये वाला तोड़ रहा हूँ. लेट्स गो, मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ. ऑलमोस्ट टूटने वाला है. अगर दो बंदे तोड़ेंगे तो फट से टूट जाएगा ये. तीसरा. अरे नाइस. अरे लेट्स गो गाइस, दिस इज व्हाट यू कॉल टीम वर्क. पट पट उतरी. आ छुपने की जगह मेरे पास. नो ओ बच गया मैं यार. देख रही है भाई, जिसने हलचल की ना फट से पकड़ लेगी वो. आंखें मैरी की बहुत ज्यादा तेज हो चुकी हैं. ओके लेट्स गो भाई. हाथ पे साथ में लाइट आउट भी कर लेती है यार. कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन. वो बोल रही है ना अंधेरे में मारेगी वो. रोशनी में तो सारे मार खाते हैं, हम मारेंगे अंधेरे में. अरे लेट्स गो, लोग यहां पर आ जाओ. ये वाला तोड़ना भी. ओए आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई. ये रही ये रही ये रही. छुप जा नुकरा, छुप जा. अबे मैं छुपा हुआ हूं. तेरे पास स्ट्रेंथ कितनी है? 4 है कि 5 है? अरे 4 है. ऑलमोस्ट 5 पे पहुंचने वाली थी लेकिन उन्होंने तेरी गेम बचा दी. उनको लगा कि लॉग अगर 5 पे पहुंच गया ना तो स्केरी मैरी लैरी और बैरी की तीनों की अकेले बंदे बैंड बजा देगा. और इतना खतरनाक वाला बंदा जो है हमें गेम के अंदर नहीं चाहिए. बस को तोड़ इसको भी. इसके बाद कौन सा बचा हुआ? अरे एक बार ही. अरे एक और रहता है यार. चुप, टेबल के पीछे छुप जा यार. ओके बैक नीचे कर दो. कहां पर? ओए ये ना होगी कहीं मेरा बैट ऊपर से खींच ले. ओके okay, काम कर देगा गाइस. आगे बढ़ने से पहले मैं एक सेब भी खा लेता हूँ. मेरे को अपनी हेल्थ एकदम से फुल रखनी है क्योंकि कुछ भी हो सकता है यहाँ पर. गेम का फाइनल पार्ट यहाँ पर आ चुका है. अरे भाई साहब, अपना बंदा ऑलरेडी पहुंच गया. लेट्स गो, कम ऑन भाई. जब तक मैं वहां पर पहुंच चुका तब तक वो फिर से आ जाएगी. मैं बहुत ज्यादा दूर हूं. पकड़ पकड़ पकड़, टूट टूट देगा. तोड़ तोड़ तोड़. छुप जाओ. ओह माय गॉड, छुपने की जगह भी तो नहीं है ना यहाँ पर. अपनी मेमोरी कंप्लीट कर ली है. और अभी मेमोरी कंप्लीट करने पर अभी हमें ये बताएंगे कि आगे क्या हुआ था. आई हैव टू गेट दिस असाइनमेंट डन. तो ये है मैरी अपने सीक्रेट असाइनमेंट के ऊपर काम कर रही है. ओके, हेड मास्टर विल बी फ्रोशियस Furious. Furious if you don't complete this. Sorry.
बट आई स्टिल नीड टू फाइंड समवन टू टेस्ट इट ऑन. तो गाइस ये रहा उसका एक्सपेरिमेंट. अरे ये तो वही चाबी है जो इसने स्केरी लैरी के अंदर घुसा कर रखी थी. ओके तो इसका एक्सपेरिमेंट जो है कंप्लीट हो चुका है और अभी इसको टेस्ट करने के लिए बंदा चाहिए. और आई बिलीव या तो ये बैरी के ऊपर टेस्ट करेगी या तो ऑब्वियसली लैरी के ऊपर टेस्ट करेगी. और वही हमें पता लगने वाला है इस फाइनल मेमोरी के अंदर कि एक्चुअल में हुआ क्या था. लाइक स्केरी लैरी इतना स्केरी बना कैसे है. और अभी आ चुका है गाइस मेमोरी 3 जिसका नाम है द की. ओ स्केरी हो रहा है यार ये वाला तो. और यहाँ भी क्या करना है. वी आर आउटसाइड द हेडमास्टर्स ऑफिस. ओके ऑब्वियसली गाइस उसने बता कर रखा था कि उसका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो चुका है और अभी वो दिखाने जा रही है हेडमास्टर को. तो तभी हम हेडमास्टर के बिल्कुल ऑफिस के अंदर आ चुके हैं और आई बिलीव हमें यहाँ पर छोटी सी पार्कोरिंग करके वहाँ पर जो है पहुँचना पड़ेगा. मैन लेट्स गो. तो पार्कोरिंग का पहला हिस्सा जो है हमारे डिटेक्टिव सर जी ने खोल कर रखा हुआ है. लेट्स गो. ध्यान से जाना गाइस ध्यान से आराम से जल्दबाजी नहीं करनी क्योंकि ये ना हो कि अरे अंकल पीठ. वो ये रहा क्या. अरे भाई अंकल पीठ भी अपनी हेल्प कर रहा है. अरे उसने पूरी सीढ़ियां नीचे कर दी. लेट्स गो अंकल पीठ ओपी. अंकल को पीठ को बाद में पीटेंगे पहले यहाँ से निकल लेते हैं. लेकिन जल्दबाजी नहीं करने का है क्योंकि मेरे को पता है अगर मे बी मेरे को कंफर्म नहीं है. मेरे को लगता है कि अगर मैं यहाँ पर गिरूंगा ना. ओ हैंग ऑन अ सेकंड. अभी वो वाला बटन कौन दबाएगा. कौन से वाला. ये वो दबाना है क्या. ओके ये वाला नहीं दबाना. आई गॉट इट. ओके आई गॉट इट. ये वाला फिलहाल जो है दबाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. तो मैं ये बोल रहा था कि मेरे को पता नहीं है कि अगर मैं यहाँ पर गिरूंगा तो रिस्पॉन होने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा. तो तभी मेरे को जो है बहुत ध्यान से ये पार्कोरिंग करनी है बहुत ज़्यादा ध्यान से. एंड इसी के साथ ही गाइस हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हेडमास्टर के रूम के सामने. तो काम करता हूँ मैं यहाँ पर छुप भी नहीं पा रहा. नाइस यू मेड इट. वेट फॉर योर टीम. ओके मेमोरी कम्प्लीट. हाँ ये वाली कंप्लीट करना थोड़ी बहुत ईजी था. ऑलराइट अब भी हमें पता लगेगा कि वो एक्सपेरिमेंट आखिर उस एक्सपेरिमेंट से हुआ क्या. तो गाइस ये रही मैरी आ चुकी है और उसका हेडमास्टर कितना क्रीपी है मैन. यो उसके पीछे हेडमास्टर है क्या. हाँ वाओ फ्यू दैट गाय टेरिफाइज मी. मेरे को भी. ऑलराइट अभी क्या करने वाली है हमें ये देखना है. माय असाइनमेंट इज फाइनली रेडी टू बी टेस्टेड एंड आई नो एग्जैक्टली Who to test it on? I think अभी ये लैरी को पकड़ने जा रही है. ओके या तो लैरी होगा या तो बैरी होगा. दोनों में से एक तो होगा ही होगा. Late that night. ओके अभी उस रात को क्या हुआ. दोनों आ चुके हैं यहाँ पर. So, did you read my note? अरे ये नोट तो देख के वो क्या हंसी थी. Yes, I read your note. It was so sweet. झूठ बोल रही है. वही इसकी बात में मत आइयो. आई रियली नीड योर हेल्प विथ समथिंग. आई नीड यू टू हेल्प मी टेस्ट दिस की. अरे लैरी बेचारा उसकी बातों में आ जाएगा यार. डोंट वरी इट वोंट हर्ट. लैरी इसकी बातों में मत आइयो. वाओ मैरी दैट साउंड्स ग्रेट बट आई डोंट नो इफ आई वांट टू टेस्ट द की. सही बोल रहा है लैरी निकल जा यहाँ से. ओ माय गॉड इट लुक्स डेंजरस. भाई ये मरेगा. Come on, और रे बैरी भी उसको जो है उकसा रहा है. Come on, Larry, you will be fine. भाई दोनों मिले हुए हैं मैन. Just turn around. Okay. It will be fine. I would never hurt you. कितना झूठ बोल रही है यार ये. Okay. और बेचारा Larry एक बार फिर से guys, मैरी की बातों में आ चुका है. और अभी वो turn around करेगा और यही कि उसके अंदर घुसेड़ देगी. नहीं यार. Oh no! Crap! Oh, उसकी पूरी veins वगैरह दिख रही हैं man. तो ये I think यहाँ से अभी वो Larry जो है उसका दिमाग खराब गया और वो बौखला गया. और ये Barry ने रोका भी नहीं. It actually works. My assignment was success. ले. Assignment करने के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पर. Okay, अभी Barry, अभी इसके Larry बोल रहा है कुछ. I feel different. Okay. Angrier. गुस्सा आ रहा है भाई साहब. सस्पेंस देख रहे हो. ऑल राइट बैरी इट्स यू. व्हाट भाई ये बैरी के ऊपर भी टेस्ट करेगी. मेरे को लगा था कि स्केरी लैरी पागल हुआ था. आई थिंक सारी चाबियां यहाँ पे डिफरेंट हैं तो एक से पावर मिलती है एक बंदे को ईवल करती है. ओ माय गॉड तो ये वाली चाबी घुसी बैरी के अंदर और दूसरी वाली चाबी घुसी एंग्री वाली घुसी लैरी के अंदर. ओ व्हाट
फिर ये तीसरी किसकी है? अरे आई थिंक ये सिर्फ पावर की होगी, स्ट्रेंथ के लिए। वाह बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है यार ये वाला तो। ओके अभी मेरे को ये चेकआउट करना है कि एक्चुअली इसके बाद हुआ क्या। तो तीनों को चाबियां मिल चुकी हैं। यू सर्वाइव रिटर्न टू द लॉबी। अरे यार ये ओरिजिन एंडिंग कितनी सैड थी ब्रो। मैन व्हाट द हेल, मेरे को लगा था कि यार स्केरी लैरी को इन लोगों ने क्या बुली किया। और आखिर में गाइस हमको पता लग चुका है कि स्केरी लैरी के ऊपर घटिया वाले एक्सपेरिमेंट हुए और उस एक्सपेरिमेंट से स्केरी लैरी जो है बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और वो मे बी वहां से ईवल बन गया। मैन भाई स्केरी लैरी की कहानी कुछ ज्यादा ही सैड है ब्रो। एक लाइक बनता है अपने लैरी के लिए। ओ माय गॉड। चलिए गाइस ये थी अपनी स्केरी लैरी की ओरिजिन एंडिंग। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि इसकी और अपडेट्स भी आएंगे। अपडेट्स आए ना आए इसकी एक वीडियो और आएगी जहां पर मैं स्केरी लैरी ब्रेकिंग खेलूंगा एज ए हैकर। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।